हेलो फ्रेंड्स, नाइन्थ क्लास की लेक्चर सीरीज चल रही है। यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम का थर्ड लैक्चर है जी। पहले दो लैक्चरस हो चुके ने, जेकर तुसी उन्हें गो थ्रू हो चुके हो तो बड़ी अच्छी गल है, नहीं तो उपर लिंक आ रहा है, तुसी उसनु देख के थर्ड पढ़ते हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। सुनो, सैवंथ एग्जाम्पल तो स्टार्ट कर रहे हैं, उदू पहला लिया एग्जाम्पल्स वगैरह आप कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर सैवंथ क्वेश्चन साढ़े को लिया है, इसनों आप रैशनल नंबर चेंज करना, शो करना, एक्सप्रेस करना। रैशनल नंबर पी अपोन क्यू की फॉर्म च सम एक मैथड नाल हो गए। आप इस छे सम करा तो थ्री की बार एक अखर के उत्ते बार है 10 नाल मल्टीप्लाई, दो दे उत्ते बार होगी तो 100 नाल मल्टीप्लाई, थ्री दे उत्ते बार हो तो 1000 नाल मल्टीप्लाई। ये देखना तो पहला लैट कर लो, एक्स इज इक्वल टू 0.3333, अगे डॉट डॉट जरूर पाना। तुसी 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 10x 10 इंटू 0.3333, जो मल्टीप्लाई करांगे तो 3.3333 बन जाएगा, 3.33 बन जाएगा। एक पॉइंट पहले इस जगह पर सी जो 10 नाल मल्टीप्लाई अगे शिफ्ट हो गया, इसनों की लिख सकते हो तुसी 3+0.333, जिन्नी वारी मर्जी लिख लो। हर क्वेश्चन नूं तुसी ऐसे तरीके नाल कन्वर्ट करोगे कि वह पुरानी रकम द्वार तो बन जाए, पुरानी वैल्यू द्वार तो बन जाए। हुण इसका नाम एक्स रख लो, रखा भी आपां पहला लैट कीता, 3 तीए या 4 तीए या 5 पा लो कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि अगे डॉट 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 अपना पाया होया। तो 3+x इज इक्वल टू 10x, 10x माइनस एक्स इज 3, एक्स 9x इज 3, एक्स इज 3/9, आंसर इज 1/3। ये जी अपना फर्स्ट पार्ट। हुण ऐसे तरीके दे नाल आपां बाकी रहिंदे होए क्वेश्चन करांगे प्रैक्टिस दे तौर पर, आई थिंक इसनू समझ आ गया होना। नैक्सट करते हैं जी, अगला क्वेश्चन नैक्सट क्वेश्चन करांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स 8th एग्जाम्पल, 1.27277 देते बार। हुण तुसी फिर समझ गए होंगे, दो अखर के बार है 100 नाल मल्टीप्लाई होएगा जी। पहला लैट कर लो, एक्स 1.272727 डॉट 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 100 नाल मल्टीप्लाई, 2727 डॉट 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 100 ना मल्टीप्लाई होने नाल पॉइंट दो अखर शिफ्ट कर जाएगा, 227.27 बन जाएगा जी, दो पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा। हुण असी उपरली फॉर्म बनानी आ वाली, एच की है 1.27 है, 127 है, 127 चो एक घटा के आ जाऊ 126, 126 अलग कर लो, 1.272727 अलग कर लिया। फिर कि स्टेटमेंट बन गई जी, हाँ ये पहले वाली स्टेटमेंट बन गई जी, स्टार्टिंग रकम बनूगी हर क्वेश्चन च, इधर आके माइनस एक्स की वैल्यू 3 ते कैंसल कर दो, थ्री ते कैंसल किया, 3 ते ठीक है, 4, 2, 3 ते किया ठीक है, फिर 3 ते कैंसल हो जाऊ, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। लो जी नैक्सट क्वेश्चन करांगे, फिर ऐसे तरीके का, फिर सेम क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मी समझ आना स्टार्ट हो गया होना है, थोड़ी प्रैक्टिस वास्ते आप होर क्वेश्चन करांगे, ताकि कोई क्वेश्चन भी नहीं रहूगा तो सानू कंसैप्ट भी चंगी तरह क्लीयर हो जाऊगा। 8th सी, 9th एग्जाम्पल कर दें जी, 0.23535355 0.235 देते बार। आ क्वेश्चन है जी अपने को, हुण फिर आप देख रहे हैं, पहले एक्स सिलेक्ट कर लो, 2353535, दो ते बार है 100 ना मल्टीप्लाई,
100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 23 ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ 53 53 ਚੋਂ 23 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂ 30 ਬਚੂਗਾ ਜੀ 30 ਤਾਂ 23.3 ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ ਪਲੱਸ 0.23 ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਸੀ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 53 ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ 23 ਘਟਾ ਤਾ 53 ਚੋਂ 23 ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੋਚਿਆ 30 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 30 ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ 30 ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ 30 ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡੋਟ 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 ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਐਕਸ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜ਼ੀਰੋ ਹਟਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਂਸਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 10th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 10th ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ 10th ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 0.6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 0.6666 ਐਕਸ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਹੈ 10x 10 × 0.6666 ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜੂ 6.666 6 ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ 0.6666 ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਬੇਸ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਐਕਸ ਫਿਰ ਐਕਸ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2/3 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਂਸਰ ਸਾਰੇ ਲੋਜਿਕ ਸੇਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੇਮ ਲੋਜਿਕ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੀ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਥਰਡ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਹੁਣ ਸੇਮ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4/7 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਐਕਸ ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ 4/7/7/7/7 ਡੋਟ 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 ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਹੈ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10x 4.77777 ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 77 ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 47 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 30 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ 4.3 ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਓ ਪਲੱਸ 0.47 ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਓ 7777 ਚੱਲ ਪਏਗਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 4.3 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ 4/7/7/7 ਤਾਂ 7777 ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਫਿਰ ਐਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਧਰ 10x ਹੈ ਐਕਸ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 43/9 90 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਟਾਫਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਸੇਮ 0.001 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ
001001001 किन्ने दे उपर बार है? तीन अखरों के उपर 1000 नाल मल्टीप्लाई, 1000 नाल मल्टीप्लाई, चलता रहूगा 1000 नाल मल्टीप्लाई होने करके पॉइंट शिफ्ट कर जूगा तीन अखर, एनू लग लिख लो फिर फिर 1+0001001001 क्या गया जी 1+x फिर बन गया, एक्स इधर आके माइनस 1 तो अकॉर्डिंग टू मी सोनू क्वेश्चन समझ आ गया होना जी। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे तरीके का आप फिर करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन नाउ फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी इंपॉर्टेंट है जी, तुसी नोट कर सकते हो इस गल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल। 0.99999 दे रखा मीनस क्या है जी, 0.9 के उत्ते 12 एक्स सिलेक्ट कर लो, 0.9999 एक्स सिलेक्ट कर लिया, एक अखर के 12 10 नाल मल्टीप्लाई, नाइन पॉइंट 999 आ जाए 10x, 9 नू अलग लिख लो कितना आ जाएगा जी, x इधर आके माइनस हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई जी। हुण तुसीं देख सकते हो इत्थे अगे उन्होंने थोड़ा थ्रैटिकल भी लिखा है क्योंकि 0.9999 किहदे इक्वल हुंदा, 1 दे इक्वल ही हुंदा ना, सो दैट आंसर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ये सीगा जी अपना फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन किया जी असी। नैक्सट क्वेश्चन करांगे हुण आपां, फोर्थ तो बाद नैक्सट फिफ्थ क्वेश्चन 1/17 नूं कहिंदे सॉल्व करो, वट कैन बी द मैक्सीमम नंबर ऑफ डिजिट बी रिपीटड ब्लॉक। तुसी 1/17 नूं करना है तो दसना किन्ने चिर बाद वैल्यू रिपीट करेगी, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा जा, डिवाइड करांगे जी 1/17 पॉइंट लगा के 0 नहीं डिवाइड होएगा, नहीं डिवाइड होएगा, एक 0 होर 100 बन गया, डिवाइड कर लांगे 17 × 5 = 85 15 बच गए जी, एक 0 फिर तो 17 × 8 = 56 × 5 = 13 136 चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई 136 14 बच गया जी, 8 नाल गुणा होगी 8 नाल हो गई 140 लिख लाँ, फिर 8 नाल गुणा होगी 4 बच गया जी, 40 बन गया 2 नाल 34 6 बच गया, 3 नाल 51 9 बच गया, 90 बन जू 5 नाल 85 आ जाएगा, 5 बच गया 50 आ गया जी, 2 नाल 34 16 बच गए, 160 बन गया, 9 नाल 17 × 9 6 153 9 नाल गुणा होगी किन्ने बच गए जी, अगे लिख रहा मैं 70 7 बजते से 0 लिख ली, 4 नाल कीता ओके 4 नाल करांगे तो 68 2 बच गए, 20 लिख लिया 17 3 बज गए 30 लिख लिया, फिर 13 बज गए 13 बच गए, हुण देखो 13 कित्थे हुंदा 17 ते 119 17 × 8 भी कर लै 7 कर लो 9 119 7 कीता जी 11 बज गए 110 6 ते
102 8 बज गए 80 4 68 12 120 ठीक कर रहे मैं 119 119 7 आ गया जी किन्ना बज गया 1 हुण जदों 1 बज गया आपां स्टार्टिंग ते पहुंच गए जी फिर की करांगे 0 लगावांगे फिर 5 ते 85 आ गई जी वैल्यू सेम इत्थे पहुंच गए ना दुबारा तो क्वेश्चन लेंथ ही है पर क्योंकि बुक च दिता सी मैनूं करना पिया हुण असीं गिणदे किन्ने अक्षर बंद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਆਣਗੇ 17 ਡਿਜਿਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ 1/17 ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਐਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੀ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨ 6 ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ सिक्स क्वेश्चन करांगे लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर आपां एग्जाम्पल्स लैनी है जी रैशनल नंबर दियां एग्जाम्पल्स लैनी है रैशनल नंबर दियां असीं पी क्यू दियां नो फैक्टर जिन्हां दे विच कुछ कॉमन ना होवे यानी 1 कॉमन होवे हैविंग टर्मीनेटिंग डेसीमल टर्मीनेटिंग जिहदा एंड हुंदा होवे असीं कुछ एग्जाम्पल लैने हैं 1/2 1/4 7/8 कुछ आपां एग्जाम्पल लै रहे हैं 37/25 1/125 नाल 8/125 कुछ होर एग्जाम्पल्स लै लैने आपां 17/20 31/16 उन्होंने क्वेश्चन च ही इदा कहा भी तुसीं कुछ एग्जाम्पल्स लो हुण इह सारियां टर्मीनेटिंग एग्जाम्पल्स ने जी टर्मीनेटिंग ने फ्रैक्शन जिहड़े आ सॉर्ट आउट हुंदे आ इहनां च कुछ वैल्यूज़ कॉमन है जी आपां देखदे क्या है फस्ट च 1/2 है क्वेश्चन इह है उन्होंने कहा टर्मीनेटिंग लैना जिन्हां दा कि एंड हो जाए तां नॉर्मल जी गल है जी जिन्हां दे एंड दे उत्ते 2 4 6 ईवन हुंदा उह एंड हो जांदे ने या जिन्हां दे पिछे 5 10 15 20 5 दा मल्टीपल वो एंड हो जाएंगे पर जिहड़े 3 वाले हुंदे ने 3 7 9 वो एंड नहीं हुंदे वो नॉन टर्मीनेटिंग आते हैं तो मैंने एग्जाम्पल्स उ लिया जिन्हें 2 4 8 25 125 20 16 यानी 2 है या 5 है मैं हुण प्रूव करके दिखा रहा 1/2 च 2 है जी 1/4 च 2 की पावर 2 है 1/8 च जिहड़ा 8 लिख लिया भावें 7/8 लिख लो 2 की पावर 3 है 37/25 च 5 की पावर 2 है 8/125 च 5 की पावर 3 है 17/20 च 2 × 2 × 5 1/2 की 2 ते 5 की 1 यानी 2 ते 5 है 13/16 च 2 की 4 है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 2 ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 2 ਔਰ 5 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਦੀ ਜਾਂ 2 ਐਂਡ 5 ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 2 ਤੇ 5 ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 5 ਜਾਂ 2 ਤੇ 5 ਦੇ ਪਾਵਰਸ ਸਕੁਅਰਸ ਜਾਂ 2 ਤੇ 5 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ 2 5 125 ਯਾਨੀ 5 ਉਹ 2 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ 3 ਨੰਬਰਸ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨੋਨ ਰੀਕਰਿੰਗ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ क्वेश्चन की पूछा नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रिकरिंग
आही लिखा जी क्वेश्चन, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स होते हैं। तुसी पढ़ चुके हो मेरी पिछली सैकंड वीडियो दे विच, मैंने करवाया सी जे नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग होता रैशनल, नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता इरैशनल। आप अगे दो क्वेश्चन करांगे भी ये नाल दे। आ गया जी हुण इरैशनल कौन से होते हैं नॉर्मली? अंडरूड वाले। तो तीन एग्जाम्पल मंगिया सी, दिस इज़ द आंसर, अंडरूड वाले होंगे ने। तीन एग्जाम्पल्स मंगिया सी, आंसर आ गया। ठीक है जी, उस तो बाद आप पहला नाइन्थ करांगे फिर एट्थ करांगे। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं जी। नाइन्थ के छे पार्ट है, छोटे छोटे ही ने। पूछा गया साढ़े तो किहड़े नंबर रैशनल ने किहड़े इरैशनल ने। सिंपल 23 तुसी सोचो, इन्हें मैं लिख रहा है फिर सुनो मैं दस रहा उस तो बाद। हुण आपां इह दसना है किहड़े नंबर जिहड़े ने किहड़े इरैशनल ने। तां अंडरूड 23 जी, मैं अंडरूड 2 अंडरूड 3 अंडरूड 5 लिखा सी, क्या आएगा जी? इरैशनल। 25 का रूट, 225 का रूट कितना होंदा नॉर्मल जां तां 15। वैसे मैंने ईजी ट्रिक्स दे विच स्केयर रूट कढ़ना दस्या, उपर लिंक आ रहा, तुसीं ईजी ट्रिक्स दे उत्ते जा सकदे हो। 15 क्या एक रैशनल नंबर है जी। इनू की लिख सकते हो तुसी? 96 पॉइंट हटा के 10,000। ये क्या जी? टर्मीनेटिंग है ना जी, टर्मीनेटिंग एंड हो रहा है क्योंकि यदा डॉट 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 अगे नहीं है, टर्मीनेटिंग है तो की है रैशनल है। ऐसे विच तुसी की देख रहे हो? 7.478 रिपीट कर रहा, 478 478। तो यह एंड तो नहीं हो रहा डॉट डॉट, नॉन टर्मीनेटिंग, नॉन टर्मीनेटिंग। वट रिपीट है जी, रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग कौन होंगे ने? रैशनल होंगे ने, रैशनल होंगे ने। ये की आ रहे ने देख रहे हो तुसी? रिपीट भी नहीं कर रहा, आ 2 0 है, 3 0 है, 4 0 है। ये सीकुएंस है जी इरैशनल नंबर की। आप बाकी क्वेश्चन भी करांगे उदे वास्ते काम आती है। तो एदा की आ गया जी? नॉन टर्मीनेटिंग है ते नॉन ही रिपीटिंग है, नॉन ही रिकरिंग है। तो ये कंडीशन केड़ी हुंदी है जी? इरैशनल दी हुंदी है। दिस इज आंसर। तो इत्थे टाइप्स भी हो गए, टर्मीनेटिंग भी रैशनल हुंदा, नॉन टर्मीनेटिंग भी रैशनल हुंदा, बट रिपीटिंग होना चाहिए। जे नॉन रिपीटिंग हो गया तो इरैशनल। इरैशनल दी फॉर्म तुसी ध्यान च भी रखनी है, जिवें 0 1 फिर 2 0 आ फिर 3 0 आ फिर 4 0, सॉरी इत्थे 4 0। ये एग्जाम्पल भी होंगी है। हुण अपनी एक एग्जाम्पल है 10th ते 8th क्वेश्चन करांगे आप एग्जाम्पल दे नाल दा, तां मैंने उहनूं छड्डता सी। सिंपल फॉर्म है जी, आपां करदे हां 10th क्वेश्चन। 1/7 ते 2/7 च आपां इरैशनल नंबर लभणे आ। पहलां 1/7 सॉल्व करो जी, 1/7 फर्स्टली सानूं सॉल्व करनी पऊगी। आपां हालांकि पहलां पिछली एग्जाम्पल दे विच 1/7 क्वेश्चन कर चुके हैं, सैकेंड क्वेश्चन च भी है जी। 1/7 किन्ना हुंदा अपने कोले? 0.142857 दा बार, 142857 ते बार हुंदा जी 1/7। तुसी कर सकदे 2/7 मैं करवा दिंदा क्योंकि मैनूं याद नहीं इत्थे लिखिया नहीं। पहलां 0.20 8 56 40 5 35 50 60 0 5 35 50 7 49 10 1 3 0 4 2 0 14 2। रिपीट हो गया जी, रिपीट हो गया। तो 2/7 कितना होता है? 0.285714।
ठीक हो गया। हुण इन्हां दोनों के विच आपां इरैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बड़े सिंपल जे वे नाल। बुक वाले ने भी लिखा ये बुक वाले ने लिख भी रखा सीगा वी आ वैल्यूज़ है अपने कोले 2.285714। हुण इहदे विच आपां कोई नंबर फाइंड आउट करना जी, एक सिंपल जी गल करांगे आपां, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मीनेटिंग इरैशनल उही होणगे। ये वैल्यू किन्नी है जी 1.14 है, ये किन्नी है 128 है। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1.5 ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1.501 ਫਿਰ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 1 ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ 15 ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ 15 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 1 ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ 15 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 1 ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 1 ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਨੋਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਚੀ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ 9th ਦਾ 5th ਪਾਰਟ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 1 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 2 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 3 ਐਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਫਿਰ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਫਿਰ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਿਟੋ। ਡਿਟੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ 8th ਕੁਐਸਚਨ, 5/7 ਐਂਡ 9/11 ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, 5/7 ਅਤੇ 9/11। 5/7 ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ 0.57 10 4 2 2 0 2 6 0 8 4 0 5 35। ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ 5 ਬਚ ਗਿਆ 57 14 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੀਨਸ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 0.714285 ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਇੱਕ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 5/7, 9/11 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 0.90 8 88 220 1 9 8 88 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 9/11 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.818 ...... ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ 8 1 8 1 8 1 ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ 0.71, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 0.81, ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਓ 72 0.720 0.720 ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਓ 7200 ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਓ 7200 ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। 73 ਲਿਖ ਲਓ 0.73 0 7300 7300 ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। 80 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 0.80 8 00 8 000 ਬਣ ਗਏ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 10th ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ 8th ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਪ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਸਿਕਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 1.3 ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਯੂਨਿਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।